गाइस खेसारी लाल के फैंस को जिस चीज की बेसब्री से इंतजार थी, फाइनली खेसारी लाल एक बेहद धमाकेदार सॉन्ग लेकर आ चुके हैं। शायद इस सॉन्ग के बारे में बात करने वाला हूँ, इस सॉन्ग को शायद आप लोगों ने सुन भी चुके होंगे। फिलहाल सॉन्ग के नाम बताने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इस सॉन्ग को अभी कल की डेट पर रिलीज किया गया है, यानी कि 9 जनवरी 2024 को। सॉन्ग गजब का ट्रेंडिंग सेक्शन में जा चुकी है। इस सॉन्ग में रील दर्शक जमके बना रहे हैं। वैसे तो खेसारी लाल के 2023 में भी कुछ कुछ सॉन्ग इनके ट्रेंड किए थे। इस साल में काफी सारे सॉन्ग खेसारी लाल के अपकमिंग भी हैं। उन्हीं में से यह एक सॉन्ग है। सॉन्ग का टाइटल नाम है एगो बात बताएं। इस सॉन्ग में एक्ट्रेस रानी देखने को मिलेंगे। सॉन्ग में खेसारी लाल के अलावा फीमेल सिंगर में शिल्पी राज देखने को मिलेंगे। हालांकि आप सबको पता ही होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आजाद सिंह एक ऐसे लेखक हैं, जब किसी सॉन्ग को जब लिखते हैं तो या तो वो सॉन्ग ट्रेंड करती है या तो नहीं चलती है। यह सॉन्ग जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, उम्मीद है कि ट्रेंडिंग सेक्शन में यह सॉन्ग एक महीने से ज्यादा रह सकती है। वैसे अभी पिछले ही दिनों खेसारी लाल के सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में कोई सॉन्ग गई थी तो नींबू खरबूजा वाइल 2, वही सॉन्ग एक ट्रेंडिंग में ज्यादा गई थी। ये सॉन्ग आज के डेट पर यूट्यूब पर 60 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं। वैसे आप लोगों को कुछ कुछ सॉन्ग के बारे में अगर बताऊं तो नीलकमल सिंह से लगाए प्रमोद प्रेमी तक सभी की कुछ कुछ सॉन्ग आ चुकी है। वैसे आप लोगों को बताइएगा, प्रमोद प्रेमी या नीलकमल सिंह से रिलेटेड अपडेट अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। फिलहाल इस सॉन्ग को अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो एगो बात बताएं सॉन्ग को यूट्यूब पर नए चैनल के थ्रू रिलीज किया गया है, पीपा म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर, जहां पर आप जाकर की सॉन्ग के ऑडियो वीडियो सॉन्ग बड़े आसानी से सुन सकते हो। हालांकि इस समय ज्यादातर खेसारी लाल के सॉन्ग इनके नए चैनल से ही रिलीज किया जा रहा है। खैर कोई नहीं, अगर आप लोग इस सॉन्ग को ऑलरेडी सुन रखा है तो कैसी लगी आपको यह सॉन्ग, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वैसे आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किसका सॉन्ग सुनना ज्यादा पसंद करते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। फिलहाल दोस्तों जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा, यह छोटी सी भोजपुरी अपडेट से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक भी करते जाइएगा। आगे भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अपडेट सबसे पहले जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपके भाई को थोड़ा सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्योंकि भाई लोग ये नया चैनल है, सेकेंड चैनल कुछ प्रॉब्लम के कारण डिलीट हो गया था। इस चैनल को ग्रोथ करने में भाई लोग काफी ज्यादा समय लग सकता है। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द हम सबका ये चैनल ग्रोथ हो सकता है। फिलहाल चलिए भाई लोग चलते, मिलते हैं आप मुझसे फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।